और मंदसौर कांड को लेकर कांग्रेस ने शिवराज सरकार को घेरा है। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने एक वीडियो जारी करके मोदी पर भी हमला बोला है। उधर धन्यवाद कहलवाने को लेकर विवादों में घिरे बीजेपी के विधायक ने माफी मांगकर इस पूरे मामले को रफा दफा करने का प्रयास किया। पीएम मोदी का नाम लेकर लड़कियां इस वीडियो में ये कह रही हैं कि आप इन लोगों को अनफॉलो कीजिए जो महिलाओं के बारे में सोशल मीडिया पर गंदी टिप्पणी करते हैं। बाकायदा कुछ तस्वीरों के साथ गीत को प्रस्तुत किया जा रहा है। मंदसौर कांड के बाद दो मिनट का ये वीडियो कांग्रेस की सोशल मीडिया टीम ने जारी किया। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा, मैं बच्ची की कुशलता की कामना करता हूं और सरकार से मांग है कि मासूम को फौरन न्याय दिलाने का काम करें। रेप को लेकर कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके शिवराज सिंह चौहान को घेरा है। ये वही मध्य प्रदेश है जो पिछले इतने सालों से पूरे देश में नंबर वन स्टेट है जहां पे महिलाओं के साथ अपराध होता है, घिनौने अपराध होते हैं। और आज भी इंदौर के एमएलए मंदसौर के एमपी को लेकर जाते हैं उस परिवार से मिलने, पीड़िता के परिवार से मिलने, और कहते हैं देखो खुशी होनी चाहिए कि वो तुमसे मिलने आए। कोई शर्म रह गई है सरकार में? कांग्रेस जिस बीजेपी विधायक का जिक्र करके हमला कर रही है, उस विधायक ने कल अस्पताल में पीड़ित बच्ची के परिवार से कहा था कि आप सांसद जी का धन्यवाद कीजिए। अब इस विवाद को लेकर विधायक सुदर्शन गुप्ता ने माफी मांग ली है। प्रकरण से जुड़ी मेरी किसी भी बात से किसी की भी भावनाएं आहत हुई हो तो मैं गहरा दुख व्यक्त करता हूं। इस घटना के प्रति मेरी और पूरी भारतीय जनता पार्टी की गहरी संवेदना है। राज्य सरकार ने कहा है कि पीड़ित परिवार को सरकार हर तरह की मदद देगी और दोषियों के लिए फांसी की मांग करेगी। अगर एक महीने में लोअर कोर्ट का जब्त हो गया तो ऐसे यही मांग देश भी कर रहा है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में सरकार की कोई भी कोताही उन पर बहुत भारी पड़ सकती है। और सुदर्शन गुप्ता के नाम की जगह गलती से शिवराज सिंह चौहान का नाम आपने इस रिपोर्ट में देख लिया था। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।